और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूरतगढ़ से, जहां नकली करेंसी के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की दबिश। राजीवासर थाना क्षेत्र के 4DW में आपको बता दें कि छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली करेंसी मिलने की सूचना सामने आ रही है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने दो मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर सामने आते हुए सूरतगढ़ से, जहां चंडीगढ़ पुलिस ने नकली करेंसी के मामले में दबिश दी। क्षेत्र के 4DWM में पुलिस ने छापेमारी की। बड़ी खबर सामने आते हुए इस वक्त की, नकली करेंसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सूरतगढ़ में चंडीगढ़ पुलिस ने दबिश दी और दो मामले में दो लोगों को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में नकली करेंसी भी जब्त की गई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, चंडीगढ़ पुलिस ने दबिश देते हुए नकली करेंसी पर छापेमारी की है, इस दौरान भारी मात्रा में नकली करेंसी भी मिली और दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसके साथ ही कब से ये काम चल रहा था वहां पर और पुलिस को किस तरह से सूचित किया गया? बिल्कुल, ऐसा मैं आपको बता दूं कि ये राजेश्वर थाना क्षेत्र के 4DWM है, जो जहां पर नकली करेंसी की बात सामने आ रही थी। इससे पहले भी जो पंजाब पुलिस है उसने छापा मारा था, उस वक्त तो पर कुछ नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आज चंडीगढ़ से पंजाब से पुलिस एक बार फिर आई है और वहीं राजस्थान की पुलिस है वो भी साथ में है। फिलहाल अभी तक इस बात सामने निकल कर नहीं आ रही है कि नकली करेंसी कितनी मात्रा में पकड़ी गई है। फिलहाल पुलिस है पंजाब और हरियाणा की मौके पर मौजूद है और तलाशी ली जा रही है। फिलहाल अभी तक निकल कर कुछ सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस है जो मामले की जांच में जुटी हुई है। आकांक्षा।